उसमें बच्चों का खेलने का वगैरह भी सारा इंतजाम किया जाएगा और टेबल चेयर यहाँ पे लगाया जाएगा। ये सारी चीजें इंशाल्लाह धीरे धीरे हम इसको करेंगे। हम आपसे यही दरखास्त करते हैं कि हमारा आज का ये मारिफा किड्स इंग्लिश स्कूल जिसकी शुरुआत की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम हमारा स्कूल चलेगा, सेकंड टाइम यहाँ पे चलेगा और इंग्लिश ट्यूशन क्लास भी चलता है। हेलो एंड वेलकम टू द मारिफा किड्स इंग्लिश स्कूल। एंड मेनली जिस तरह से आप देख रहे हैं जमशेदपुर में स्कूल खुलने का सिलसिला जारी है और इसी संदर्भ में आज जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 13A में मारिफा किड्स इंग्लिश स्कूल की बुनियाद रखी गई है और आप कह सकते हैं कि ये एक रीओपनिंग सेरेमनी है। यहाँ पर पहले बच्चों को मकतब की क्लासेस दी जाती थी, पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब मकतब प्लस स्कूल ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूँ इसके बारे में पूरी जानकारी, मारिफा किड्स इंग्लिश स्कूल के नाम से इस स्कूल की ओपनिंग आज हुई है और यहाँ पर नर्सरी LKG UKG एंड क्लास वन के लिए एडमिशन ली जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिला करवाना चाहते हैं जहां पर आपके बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हो सके, तो इसी मंशे को लेकर और इसी कोशिश के तहत मारिफा किड्स इंग्लिश स्कूल की बुनियाद रखी गई। और अगर आप देखेंगे तो ये तमाम वो सहूलियात बच्चों को यहाँ पर मिलेंगी जो जितने भी किड्स स्कूल है वहाँ पर मिलती है। ये एक ग्राउंड है, छोटा सा प्ले ग्राउंड जो इनका है, बगल में वॉशरूम वगैरह आपको नजर आएंगे तो, और इधर भी एक क्लासरूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक क्लासरूम होगा जहाँ पर आज जो रीओपनिंग सेरेमनी है इसमें सभी लोग आई हुई हैं और प्रॉपर यहाँ पर डेस्क वगैरह बेंच वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लगी हुई देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल इसी को लेकर इंतशाम साहब जो कि डायरेक्टर है इसके, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले यहाँ पर मकतब क्लासेस चला करता था और मकतब के कई सारे स्टूडेंट्स जो नूरानी कायदा और दिनियात वगैरह की तालीम लेते हैं और अब यहाँ पर किड्स इंग्लिश स्कूल की शुरुआत की जा रही है जहाँ आपके बच्चे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल कर सकते हैं, जो कि दीनी तालीम का रिवाज और दीनी तालीम का सिलसिला यहाँ पर पहले से ही चल रहा है। तो इसमें अब स्कूल को ऐड किया गया है जिसमें नर्सरी LKG और UKG की पढ़ाई कराई जाएगी बच्चों को और साथ ही साथ कई सारी यहाँ पर सहूलियात भी बच्चों को दी जा रही है, जिसमें ये एडवांटेज है कि अभी इस रीओपनिंग के मौके पर फ्री एडमिशन की सुविधा आपको मिलेगी, मिनिमम एजुकेशन फ़ी है यहाँ पर, साथ ही साथ नीट एंड क्लीन क्लासरूम्स आपको, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, और गुड सिटिंग अरेंजमेंट्स भी रहेगा क्योंकि समझ सकते हैं आप कि बेसिकली हम देखते हैं कि बच्चों के बैठने के लिए कई सारे जगह पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ ग्राउंड प्ले एंड फिजिकल एक्टिविटी, एक जो मैंने आपको ग्राउंड दिखाया वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी के लिए खेलने के लिए वहाँ पर बच्चे आसानी से, एक स्पेसफुल जगह है, स्पेशियस है काफ़ी, तो वहाँ पर बच्चे खेल भी सकते हैं। लर्न टू स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्टिंग से ही अगर आपके बच्चे इंग्लिश पर ध्यान नहीं देंगे तो होता क्या, बड़े हो बच्चे इंग्लिश बोलने में हिचकते हैं और इसी हिचक की वजह से, झिझक की वजह से बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं और मास्टर्स डिग्री भी हासिल कर लेते हैं बड़े होने के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो उस हिचक को झिझक को कहीं ना कहीं दूर किया जाएगा और स्पोकन इंग्लिश की सुविधाएं। तो हमारे साथ शाम साहब है जो कि डायरेक्टर हैं यहाँ के, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए शाम साहब, यहीं पर रहिए ना, ये हमें बताएं कि आप आज इस स्कूल की इफ्तिता है, ओपनिंग है, ये री ओपनिंग, हाँ बताइए कि हमारा यहाँ पे मकतब और मदरसा चल रहा था जिसमें दीनी तालीम दी जाती थी, लेकिन क्योंकि हमें अपने माहौल और समाज के लोगों को भी दुनिया की तालीम देनी है, उसके लिए हमने मारिफा किड्स इंग्लिश स्कूल का इफ्तिताह किया है, ओपनिंग रखी है आज, और इसमें हम अपने बच्चों को नर्सरी LKG UKG और वन की पढ़ाई देंगे, तालीम देंगे और फिर इंशाल्लाह आगे भी इसको बढ़ाएंगे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह
बच्चों की सारी सहूलियात मौजूद है, सारी फैसिलिटीज़ है, प्लेग्राउंड है और फिर क्लासेस हैं और वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर, और हम बेहतर तालीम देने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे बच्चे शुरू से ही इंग्लिश बोलना सीखें, और चूंकि ये हमारा समाज तबका गरीब तबका है, इसके लिए हमने मिनिमम फीस रखी है। नर्सरी के लिए 300 रुपये, LKG और UKG के लिए 400 रुपये और वन क्लास के लिए 500 रुपये। तो इस तरह से हम मिनिमम फीस रखे हैं ताकि हमारे हर तरह के लोग आकर के यहाँ पे तालीम हासिल कर सकें। इसी तरह से हम अपने बच्चों को यहाँ पर, चूँकि मकतब की भी तालीम है, तो फर्स्ट टाइम में हमारा स्कूल चलता है, सेकंड टाइम में मकतब चलता है। मकतब में बच्चों को कुरान और हिफ्ज़ करवाया जाता है, नाजरा पढ़ाया जाता है, दीनी तालीम दी जाती है, और साथ में ट्यूशन क्लास का भी यहाँ नज़्म है कि किसी भी स्कूल के बच्चे ट्यूशन भी पढ़ें और खुद हमारे बच्चे जो यहाँ पे अरबी पढ़ते हैं वो भी ट्यूशन पढ़ सके हैं। इसी के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश का भी नज़्म किया गया है, उसके लिए सर यहाँ पे मौजूद हैं, वो स्पोकन इंग्लिश भी हमारे पास मौजूद है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक तालीमी फिजा कायम हो, ये एजुकेशन हब बने इस मोहल्ला वालों के लिए, और लोग हर तरह की तालीम यहाँ पर आकर के हासिल कर सके मिनिमम फीस के साथ। नहीं, एक तो स्पोकन इंग्लिश का अलग से इंतजाम है, अलग से भी इंतजाम है, और बाकी स्कूल में हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे बच्चे स्टार्टिंग से ही इंग्लिश बोलना सीखे। लोकेशन एक बार बता दीजिए। ये हमारा जवाहर नगर रोड नंबर 13A कहलाता है। और अभी जैसे कि आपका री ओपनिंग सेरेमनी है, इस मौके पर क्या एडमिशन की भी सुविधा है? जी होगा जी, ये हमारे यहाँ ये एडमिशन फ्री रखा गया है, एडमिशन के कोई चार्जेज नहीं है, फ्री एडमिशन है, फॉर्म अवेलेबल है यहाँ पे, कोई भी आके एडमिशन ले सकते हैं। पूरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोहम्मद एहतशामुल हक है, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, और हमारा ये मकतब और मदरसा चल रहा था, अब यहाँ पे हमने स्कूल मारिफा किड्स इंग्लिश स्कूल के नाम से स्कूल शुरू किया है। दीनी तालीम दी जा रही थी, उसके साथ अब दुनियावी तालीम, दुनियावी तालीम भी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बात करा दीजिए ना प्रिंसिपल मैडम से। तो ये आपने जैसा कि एहतशाम साहब के समय अरेंज कीजिए उनको, तो मैं अब यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैम आप, हाँ मैम बताएं ना, आप बताते रहें, आप बताएं, हाँ बताएं, उसमें बोलें। देखिए, जो हमारा जो ये जवाहर नगर, मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 13 में ये स्कूल हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं, आज से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो है मारिफा इंग्लिश किड्स स्कूल, मारिफा किड्स इंग्लिश स्कूल जो है हमारा, तो इसमें बहुत ही अच्छा एजुकेशन का इंतज़ाम किया जा रहा है। अच्छा एजुकेशन मतलब होता है कि आप जो भी स्कूल भेज रहे अपने बच्चों को, तो उसमें आपके बच्चे सीख क्या रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप स्कूल डेली भेज रहे हैं, लेकिन आप डेली भेज रहे हैं लेकिन आपका बच्चा डेली क्या सीख रहा है, वो हम लोग सिखाने वाले हैं कि आपका बच्चा दिन प्रतिदिन क्या सीख रहा है, ठीक है ना। तो वो हम लोग रख रहे हैं कि आपका एक अच्छा एजुकेशन के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, जो आज की डेट में कम्युनिकेशन जो स्किल होता है वो बहुत ही बेसिक चीज़ होता है, जो हम लोग के बच्चे जो है अमूमन नहीं सीख पाते हैं। और इंग्लिश स्कूल में जाने के बावजूद भी ना ही हमारे बच्चे अच्छा इंग्लिश बोल पाते हैं ना पढ़ पाते हैं। तो हमारा सिर्फ यही मकसद है, इंशाल्लाह ताला हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं तो इंग्लिश अच्छा सीखे, इंग्लिश हिंदी मैथ्स और फिजिकल एक्टिविटी, ये सारे टीचर्स भी देखेंगे कि हमारे पीछे टीचर्स है, ये टीचर्स भी अवेलेबल है, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने एक स्पोकन इंग्लिश का भी इंतजाम किया गया है यहाँ, जो जी हाँ अलग से प्रोवाइड किया है, जो आपके बड़े बच्चे हैं। नहीं नहीं, वो स्कूल के लिए है, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो प्री नर्सरी स्कूल है हमारा, प्री नर्सरी स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश स्पोकन नहीं है, वो तो स्कूल में पढ़ेंगे ही, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का इंतजाम किया गया है।
यहाँ स्कूल में जो है अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं की गई है। अभी चेयर है, टेबल्स है और फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, जो खिलौने हैं, वो सब अभी आना बाकी है। और जहाँ तक है कि अदर स्कूल से हमारे स्कूल क्या डिफरेंस रहेगा, तो यही डिफरेंस है जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल रहते हैं तो एजुकेशन के नाम पे जो लोग इतने ज्यादा फी अमाउंट रखते हैं, ईयरली रखते हैं या मंथली रखते हैं, जी हाँ री एडमिशन भी होता है, तो री एडमिशन हमारे जो है वो बहुत कम रहेगा, लेकिन जो मंथली फी है वो मिनिमम रखा गया है। नर्सरी के लिए 300 है, LKG UKG के लिए है 400 और वन क्लास के लिए वो 500 रखा गया है, जो मिनिमम फीस है जो हर एक तबका के लोग दे सकते हैं। आज के माशरे, हमारे जो माशरे में लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो उनका इनकम इतना कम रहता है कि इन चाह करके भी इंग्लिश मीडियम में अच्छी एजुकेशन वो अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। ये डिफरेंसेस है। और फैसिलिटीज क्या हैं आपका प्ले ग्रुप जैसे के लिए रहेगा, तो ऐसे बच्चों के लिए देखा जाता है कि बेसिकली जो बिग स्कूल होते हैं तो वहाँ पर प्ले ग्राउंड होता है, जी हाँ जी, खेलने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, जी जी, सारी चीज भी यहाँ पर इंक्लूड है, जी हाँ। मैंने अभी आपको मेंशन किया कि अभी जो है इंस्ट्रूमेंट है, जो खिलौने हैं, वो अभी आना बाकी है, और जो प्ले ग्राउंड का बात है, जी नहीं नहीं फ्यूचर ये स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही हम लोग वो प्रोवाइड करेंगे, वो सारा इंतजाम हो जाएगा। और प्ले ग्राउंड की बात है तो आप अंदर में भी देख सकते हैं, काफी स्पेस है, चार दीवारी के अंदर जो हमारा प्ले ग्राउंड है, काफी स्पेस है, काफी जगह है, वो भी अभी मेंटेन करके उसको सही किया जाएगा। जी हाँ, आज से ही इंशाल्लाह एडमिशन शुरू है, कुछ बच्चे एडमिशन ले भी चुके हैं और अभी पेरेंट्स से उनसे भी बात होगी, जिनको लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी एडमिशन कब तक फ्री? जी एडमिशन इज गोइंग ऑन एवरी डे, अभी मतलब इसी साल तक एडमिशन फ्री रहेगा या टिल टिल यस यस ऑफ कोर्स एडमिशन ऑन रहेगा। थैंक यू, अपना इंट्रोडक्शन। जी मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मेरा नाम है सना जमा, और जी जी थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने देखा, मैं प्रिंसिपल से बात कर रहा था, और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये तमाम वो फैसिलिटीज़ आपको यहां पर मिलेंगी जो किड्स स्कूल में मिलते हैं, और बेसिकली जो इंग्लिश मीडियम किड्स स्कूल होते हैं वहां पर नर्सरी LKG 1 इस तरह की शिक्षा एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। और जमशेदपुर में आजकल कई सारे किड्स स्कूल खुल रहे हैं, तो बेसिकली इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक उत्तम स्तर और काफ़ी ध्यान इस ओर दिया जा रहा है, और ऐसे बच्चे जो शिक्षा से दूर है, ऐसे लोगों को भी चाहिए कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से अगर उन लोगों को फ़ायदा हासिल करना है तो ऐसे बच्चों के लिए खासकर ये मारिया किड्स इंग्लिश स्कूल का ये उद्घाटन रीओपनिंग किया गया है आज, जो कि जवाहर नगर रोड नंबर 13 है। अगर लोकेशन मैं बात करूँ तो ये अगर आप जैसे ही बिलाल मस्जिद रोड नंबर 13 की तरफ आते हैं, वहाँ से सीधा डाउन मार के एकदम लास्ट कॉर्नर पर आपको ये स्कूल दिखेगा, जहाँ पर मकतब प्लस स्कूल की ओपनिंग और शुरुआत की गई है। तो ये कहीं ना कहीं आपके बच्चों के अंदर दुनियावी और दीन दोनों की तालीम के लिए एक फिक्र पैदा करने वाला स्कूल मारिफा इंग्लिश किड्स स्कूल की शुरुआत की गई है। तो चलिए, आप भी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और नए लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।